नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आप लोग पढ़ रहे हैं NIOS की क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की बुक, और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। अगर आपने पहले दो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उन्हें भी बताएँ कि वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं हमारे चैनल में। ठीक है, ये सारे का सारा कोर्स आपके लिए हमेशा के लिए फ्री अवेलेबल कराया जा रहा है, कभी भी आपसे कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमें वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन दें। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज पढ़ रहे हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना, कोई लिमिट नहीं है ह्यूमन वांट्स का। एक ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट, दूसरी ख़त्म तीसरी स्टार्ट, है ना। और हमेशा हमें लगता है कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हम लालची बड़े हैं, है ना। और तो क्वेश्चन उठता है कि हमारी वांट्स है कितनी, और क्या वो सेटिस्फाई हो सकती हैं, हो सकती है तो कितनी हो सकती हैं। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इस लेसन में वही हम पढ़ने वाले हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी टाइप की हैं, क्या क्या होती हैं, क्या मतलब है, डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हमें चाहिए होती हैं। हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, है ना। किसी तरीके से हमें बहुत सारे गुड्स चाहिए होते हैं, जैसे पेन पेपर, फिर हमें घर भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है कहीं ना कहीं, है ना। बट ये सारी क्या हैं, गुड्स हैं। बट गुड्स के अलावा हमारे पास सर्विसेज भी चाहिए होती है। सर्विसेज हम किस किस के लेते हैं, आप जरा सोच के देखो। आपके बाल लंबे हो जाते हैं, आप बाल कटाने जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, या फिर कपड़े सिलवाने आपने तो आप टेलर के पास जाते हो, आपका जूता टूट जाता है आप मोची के पास जाते हो, या फिर आप पढ़ाई के लिए अपने स्कूल के टीचर के पास या फिर ट्यूशन टीचर के पास जा रहे हो, है ना। और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं और भी। तो आप देखो, बिना गुड्स और बिना सर्विसेज के क्या हमारी लाइफ चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और ये गुड्स और सर्विसेज बहुत टाइप के हैं, है ना, तो इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है हमें, ताकि हम इनकी स्टडी अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं गुड्स किनको कहते हैं। गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल का मतलब क्या है, हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं गुड्स को। और देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड कंज्यूम्ड लेटर। ठीक, प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है। ठीक, पहले प्रोडक्शन होता है, बाद में कंज्यूम होता है। गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। गुड्स को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हम चेयर का एग्जांपल लें तो चेयर को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। चेयर का प्रोडक्शन पहले होता है, फिर वो मार्केट में आती है, फिर हम लेते हैं, खरीदते हैं उसको, है ना। उसको स्टोर भी किया जा सकता है, बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, है ना। तो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज नॉन टेंजिबल होती हैं, ना आप उनको देख सकते हो ना उनको टच कर सकते हो। इसमें सर्विसेज में टाइम गैप नहीं होता बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज नॉट पॉसिबल। जो भी मतलब गुड्स का है उसका अपोजिट है सर्विसेज में। ठीक, क्या होती है सर्विसेज, जरा समझने की कोशिश करें। मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अपनी सर्विस देता है, तो आप क्या उसको टच कर सकते हो सर्विस को? नहीं ना। क्या टाइम गैप है कुछ प्रोडक्शन और सर्विस कंजम्पशन के बीच में? आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको इमीडिएट देखा, है ना, तो कोई टाइम गैप नहीं है। क्या आप उनकी सर्विसेज को स्टोर कर सकते हो? नहीं, स्टोर भी नहीं किया जा सकता। क्या आप उनकी सर्विसेज को ट्रांसफर कर सकते हो? वो भी नहीं हो सकती, पॉसिबल। ठीक, तो अगला टॉपिक आता है इसी के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने देखा हमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, ना बहुत ज़्यादा, और डाइवर्सिफाइड फॉर्म में है गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हमें बहुत
कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लासीफाई करेंगे इनको अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ 6 क्लासिफिकेशन दे रखे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स, फ्री सर्विसेज इकोनॉमिक सर्विसेज, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर सर्विसेज प्रोड्यूसर सर्विसेज, सिंगल यूज गुड ड्यूरेबल यूज गुड, प्राइवेट गुड पब्लिक गुड। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं क्या है फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड। अब देखो, ऐसे गुड्स जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड से ज़्यादा, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, फ्री गुड्स हो गए। कौन कौन से फ्री गुड हैं जरा सोच के देखो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर फ्री में दे रहा है और अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आपकी बुक में दे रखा है सिंपल सा सैंड, सैंड कितना ज़्यादा है, ऐसी सॉयल आपकी कितनी ज़्यादा सॉयल अवेलेबल है ना, रॉक्स कितनी ज़्यादा रॉक्स अवेलेबल है, वाटर कितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, अनलिमिटेड तो नहीं है वाटर भी, वैसे तो समुद्र अगर आप ओसिन वगैरह का वाटर भी देखो कंसिडर करोगे तो बहुत वाटर अवेलेबल है ना, मोर देन आपकी इतनी यूज ही नहीं है, उससे ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, क्योंकि 2/3 तो अर्थ का वाटर ही होता है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक दूसरे गुड्स हैं जैसे कि टूथपेस्ट चाहिए होता है आपको, सोप शेविंग क्रीम फुटवेयर ब्रेड है ना, मशीन्स चाहिए, बसेस टेबल चेयर बुक फैन टेलीविज़न, ये सब भी तो चाहिए आपको अपने घर में, तो ये सब चीज़ें क्या है फ्री में अवेलेबल नहीं है। और ये सब क्या है, ज़्यादातर चीज़ें आप देख रहे हो मैन मेड है, ठीक है, ये इनकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है ना। और कुछ एक मिनरल्स भी आप खरीदते हो, जैसे अगर आपको घर बनाना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए सैंड लोगे, आप सीमेंट लाते हो है ना, उसके साथ साथ आप और क्या लाते हो, मार्बल वगैरह लाते हो, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हो घर बनाने के लिए। तो ये कुछ एक मिनरल्स भी होती हैं जो हमें चाहिए होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें कितने सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं ना, तो ये सारे मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, वरना आपका मोबाइल कैसे काम करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान बन ही नहीं पाएगा बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स के बिना। तो ये मिनरल्स हम कैसे ले रहे हैं, परचेज करके ले रहे हैं, और ये चीज़ें क्या होती हैं, स्कार्स हैं है ना, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो इसके लिए पे करना पड़ता है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक गुड्स हैं, ठीक। तो शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक गुड्स कौन से गुड्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ठीक, और जिनको प्राइस दे के खरीदा जा सकता है मार्केट से, ऐसे इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। फ्री सर्विसेज इकोनॉमिक सर्विसेज सेम वे में हो गई, जो सर्विसेज फ्रीली अवेलेबल हैं उनको हम फ्री सर्विसेज कहेंगे, जिनकी हमें पे करना पड़ता है वो इकोनॉमिक सर्विसेज हो गई। फ्री सर्विसेज में क्या होती है, बहुत ही कम फ्री सर्विसेज दुनिया में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं है ना, या एक वाइफ हस्बैंड के लिए कर रही है, हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहा है, तो ये फ्री सर्विसेज है, फ्रेंड आपके लिए कुछ कर रहा है, तो ये सब फ्री सर्विसेज है। लेकिन ज़्यादातर सर्विसेज पेड होती हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, इंजीनियर के पास जा रहे हो, आप ट्यूशन के लिए जा रहे हो, ये सब पेड सर्विसेज है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री और इकोनॉमिक सर्विसेज का अंतर क्या है। ऐसे कंज्यूमर गुड प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो आप जो एक कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं नॉर्मली वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स ब्रेड मिल्क है ना, ये डायरेक्टली कंज्यूम करता है एक कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स तो वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं है ना, और वो हेल्प करते हैं दूसरे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। अब ऐसे में कौन से आ सकते हैं, मशीनरीज टूल्स रॉ मटेरियल है ना, ट्रैक्टर मैन्योर वगैरह जो है, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। फिर आपके यहाँ एक इंटरमीडिएटरी ग्रुप भी होता है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल पावर फ्यूल, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर को चाहिए होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इनके बिना नहीं कर सकता वो है ना। जैसे अगर आपको
मान लो कोई दे रहा ब्रेड दे रहा है, तो ब्रेड के लिए उसको क्या क्या चाहिए बनाने के लिए? ब्रेड की फैक्ट्री में सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए ब्रेड का सारा, है ना, ईस्ट चाहिए, मैदा चाहिए, उसको टेस्ट वाली चीजें भी चाहिए होती है। आप देखते हो चेरी वगैरह भी होता है, या प्लेन भी होगा तो चेरी नहीं होगा, बट और चीज तो होती है। फिर पावर चाहिए मशीन्स चलाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से वो बनाता है। एक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं। इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल आपके यहाँ व्हीट फ्लोर दे रखा है, जो कि ब्रेड के बनाने में यूज होता है। ठीक। अब कंज्यूमर सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर सर्विसेज। कंज्यूमर कौन कौन सी सर्विस देता है, प्रोड्यूसर कौन कौन सी सर्विसेज देता है। देखो, व्हेन कंज्यूमर डायरेक्टली यूजेस सर्विसेज, दे आर नोन एज कंज्यूमर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, टेलर स्टिच करके आपकी शर्ट देता है, डॉक्टर आपको डायरेक्टली सर्विस देता है ना, प्लम्बर आपके यहाँ डायरेक्टली आकर आपका कोई लीक वगैरह हो उसको रिपेयर करता है, तो ये कंज्यूमर सर्विसेज है। ठीक। अब प्रोड्यूसर सर्विसेज कौन सी होती हैं? आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, एंड विच टर्न इज इन डिमांड बाय द कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो इनडायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह टेलर, देखो टेलर दो तरीके में आ गया, कंज्यूमर सर्विसेज में, प्रोड्यूसर सर्विसेज में भी। क्योंकि कंज्यूमर सर्विस में जब वो होता है तो कंज्यूमर डायरेक्टली जाके उससे खरीद लेता है, ले लेता है शर्ट अपनी। और टेलर ऐसा भी तो करते हैं, रेडीमेड गारमेंट वालों को बेच देते हैं बना करके, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन या तो आपके घर पे आकर रिपेयर करता हो फॉल्ट, या फिर आप जानते हो कि जैसे आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, उनके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो भी फॉल्ट लाइन को रिपेयर करते रहते हैं हर जगह, है ना। तो उनकी सर्विसेज हो गई, वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अब देखो ट्रक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विस या तो आपके यहाँ डायरेक्ट सामान ला रहा है तो वो हो जाएगा कंज्यूमर सर्विस में, या फिर वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो वो हो गया उसका प्रोड्यूसर सर्विसेज में आ जाएगा, है ना। सिंगल यूज ड्यूरेबल यूज गुड्स। सिंगल यूज गुड कौन से हो गए? वो गुड्स जो सिर्फ वन टाइम यूज होते हैं। ठीक है, वन टाइम कंज्यूम हो गया, खत्म। ऐसे कौन से होंगे? ब्रेड, बटर, एग, मिल्क, सब एक ही बार यूज कर सकते हो, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको, है ना। यूज कर लिया, खत्म हो गया। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं, सॉरी, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल रॉ मटेरियल, सीड मैन्योर्स वगैरह, है ना, ये प्रोडक्शन फूड है। किसी चीज को बना रहे हैं आप, उसके प्रोडक्शन में ये चीजें लग गई, खत्म हो गई। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आपका कोल का यूज होता है, जानते हो ना। ऐसे ही आपका कोई भी, जैसे चावल की खेती हो रही है तो वहाँ सीड्स भी चाहिए, आपका मैन्योर भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, तो ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक। ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, बार बार यूज होते हैं, ऐसों को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। अब ड्यूरेबल गुड भी कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड दोनों फॉर्म में होता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड कौन से होंगे? क्लॉथ, फर्नीचर, टेलीविजन, स्कूटर वगैरह जो आप यूज करते हो बार बार, है ना, डायरेक्टली, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होंगे। और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होंगे? जैसे कि मशीन, टूल, ट्रैक्टर्स वगैरह, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फर्दर कोई चीज बनाते हैं, और वो इनडायरेक्टली हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रही है, वो हो गए ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स का क्या होता है, रिपीटेड यूज के कारण उसकी वैल्यू घटती जाती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट होती रहती है ड्यूरेबल गुड्स की। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आप देख लो, आप कार लेते हो, तो कार की वैल्यू फर्स्ट ईयर मान लो आपने 10 लाख की कार ली। अब जब आप नेक्स्ट ईयर उस कार की वैल्यूएशन करते हो, इंश्योरेंस खरीदते हो, तो आप देखोगे उसकी डायरेक्टली 1-1.5 लाख रुपए वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे 2-3 साल में वो सीधा आधी वैल्यू हो जाती है उसकी। ठीक है,
आप देखना, अपने फादर से पूछना, अपने या बड़े भाई वगैरह से पूछना, या किसी इंश्योरेंस कंपनी वालों से पूछना, वो आपको बताएंगे किस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है किसी चीज़ का। ठीक, प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड, ये तो नाम ही बता रहा है यार। ऐसे गुड्स जिनको हम जो इंडिविजुअल्स अपने यूज के लिए रखते हैं, है ना। ऑल गुड्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड एंड एक्सक्लूसिवली एंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपसे रिलेटेड गुड्स हैं वो सारे प्राइवेट गुड्स हैं। आपकी पेन, वॉच, स्कूटर, बुक, टेबल, चेयर, ये सब आपके अपनी है, है ना। और अगर किसी की फैक्ट्री है तो उसके कौन से प्राइवेट गुड हो जाएंगे? उसकी बिल्डिंग होगी, उसकी मशीनरी होगी, उसके टूल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स होगा, है ना, ये सब उसके प्राइवेट गुड्स हो जाएंगे। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड एंड एंजॉयड बाय द सोसाइटी एज अ होल। ये सबके लिए, पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए, सबके लिए है। ऐसी कौन सी चीज़ है? रोड है, कोई भी चल सकता है, ब्रिज, पार्क, टाउन हॉल्स होते हैं, ये सब के सब कलेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है उसका। उसके यूज़ में किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, है ना, कोई मना नहीं कर सकता पब्लिक यूज के कंजम्पशन के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें होगी। अब हम रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी पढ़ लेते हैं कि क्या रोल प्ले करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में। सबसे पहले तो वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। जैसे जैसे आप जानते हो, ह्यूमन वांट्स तो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी खत्म होती नहीं है। तो जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे ह्यूमन डिमांड्स वांट्स को सेटिस्फाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, है ना। अभी मान लो बहुत कम गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो तो उनका क्या होगा? मार्केट रेट बहुत ज़्यादा होगा, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लोग कम यूज़ कर रहे होंगे, ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे उसको। लेकिन वही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए, प्रोडक्शन उसका बढ़ जाए, तो क्या होगा? उसकी प्रोडक्शन बढ़ने से उसकी जो सप्लाई बढ़ेगी तो कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी तो ज़्यादा लोग अफोर्ड करेंगे, ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे, है ना। ऐसी प्रोडक्शन अगर हम बात करें, प्रोडक्शन क्या है आपका, प्रोडक्शन पे कैसे अफेक्ट करता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज? देखो, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, है ना। तो उस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करके देखें कि किस तरीके से, अगर मान लो आप, अभी हमने स्कूटर की बाइक की बात कर लेते हैं, या स्कूटर की बात कर लेते हैं, मान लो होंडा एक्टिवा की डिमांड अचानक लोग बहुत ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं, तो इससे क्या अंतर आएगा? जो कंपनी होगी होंडा कंपनी, वो स्कूटर बढ़ाने की डिमांड देखेगी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो कहेगा प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए होगी? मशीनरी ज़्यादा चाहिए होगी, रॉ मटेरियल्स ज़्यादा चाहिए होंगे उसको, है ना। अब रॉ मटेरियल और मशीनरी ज़्यादा चाहिए होगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो सर्विसेज भी लेगा बाकियों की, बैंकिंग सर्विसेज लेगा, इंश्योरेंस सर्विसेज लेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेगा वो, है ना। तो इस तरीके से आप देखो, एक तरीके से चेन बनी हुई है, एक चीज़ दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। फिर इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है गुड्स एंड सर्विसेज? जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे आप देखो ह्यूमन वांट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी तो वो क्या करेगा? बैंक से लोन वगैरह लेगा, है ना। बैंक लोन कब दे सकता है? जब उसके पास खुद सरप्लस होगा तभी तो वो लोन दे सकता है, है कि नहीं। और सरप्लस कहाँ से आएगा? सरप्लस तभी आएगा जब मार्केट में कैपिटल हो, कैपिटल प्रोडक्शन हो। कैपिटल प्रोडक्शन किस तरीके से होगा? जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे किसी चीज़ की, अपना पैसा खर्च करेंगे किसी चीज़ पे, तभी मार्केट में कैपिटल आएगी, कैपिटल आएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देख रहे हो आप, एक साइकिल है एक तरीके से ये पूरा। तो होप ये आपको क्लियर हो गया हो पूरा चैप्टर, और पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है। और फिलहाल आपकी बुक में इतना ही डिटेल समझाने के लिए, वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आप आगे चल के पढ़ोगे, 11th 12th में ही पढ़ोगे, और ग्रेजुएशन वगैरह में ही पढ़ोगे अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो। ठीक है, तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.